बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद आज हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कैसे करते हैं, वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट डूब क्यों जाता है और तैरता क्यों रहता है। एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। ये हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर ये लिक्विड मौजूद है, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा अगर उसका वेट ग्रेटर होगा अप थ्रस्ट से। अप थ्रस्ट वो फोर्स होती है जो इस लिक्विड के अंदर इस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड अप्लाई हो रही है। तो अगर अप थ्रस्ट लेस है और वेट इस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डूब जाएगा। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स वेट इज इक्वल आर लेस देन द अप थ्रस्ट। तो और यही ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाता है, पानी की सरफेस पे तैरने लग जाएगा उस वक्त जब वेट लेस देन आर इक्वल टू अप थ्रस्ट होगा, यानी कि वेट कम होगा और अप थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाएगा, पानी की सरफेस पे तैरने लग जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन ए लिक्विड इन ए फ्लूइड द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर यही ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड फ्लोट करता हुआ नजर आए हमें तो उस वक्त जो वेट होता है वो अप थ्रस्ट के इक्वल होता है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट उसके अप थ्रस्ट के इक्वल हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाता है, लिक्विड के अंदर तैरने लग जाता है, यानी कि सरफेस पे नहीं आता, लिक्विड के अंदर ही तैरता हुआ हमें दिखाई देता है। इन केस ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मे बी पार्शली इमर्स्ड। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता है तो ऐसा पॉसिबल है कि वो पार्शली इमर्स्ड हो, कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर डूबा हुआ हो। जैसे यहाँ पे ये इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है पानी की सरफेस पे मौजूद नहीं है, इसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है। द अप थ्रस्ट ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। जो अप थ्रस्ट होती है वो किसकी इक्वल होती है, ऑलवेज उसके उस ऑब्जेक्ट को डुबोने के बाद जितना लिक्विड उस हिस्से का था उस इक्वल वॉल्यूम के लिक्विड के वेट की इक्वल होती है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर डुबोते हैं उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल वाटर का जब हम वेट मेजर करें तो इतनी अप थ्रस्ट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है, वो डिस्प्लेस करता है फ्लूइड को जिसका वेट इक्वल होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, तो तब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तैरेगा। Archimedes principle is applicable on liquids as well as gases. We find numerous applications of this principle in our daily life. Archimedes principle liquids और gases दोनों पे apply हो रहा होता है, हमें काफ़ी सारी applications मिलती हैं daily life में। A wooden block floats on water. सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि why objects floats, ऑब्जेक्ट्स फ्लोट क्यों करते हैं, तैरते क्यों हैं। वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन वाटर, वुडन ब्लॉक जो होता है वो पानी की सरफेस पे तैरने लग जाता है, वुड पानी पे तैरने लग जाती है। या वो क्यों तैरती है, इट इज़ बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द ब्लॉक। ये क्यों होता है कि वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। जो वेट होगा इसके इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर का, यानी कि इस लकड़ी के डूब जाने के बाद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द ब्लॉक के इक्वल होगा, तो तब ये क्या करेगी, जो वुडन ब्लॉक है वो तैरेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ए बॉडी फ्लोट्स इफ इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज पार्शली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के मुताबिक कोई भी बॉडी फ्लोट करती है अगर वो डिस्प्लेस करे वाटर इक्वल ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, जब उसको क्या किया जाए,
जब वो पार्शली या कम्प्लीटली ये मस्ट हुई हो किसके अंदर, वाटर के अंदर। वो इस डायग्राम की मदद से ये आपको शमीदस प्रिंसिपल में भी समझाया था, यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस वाटर के अंदर मौजूद है, पहले आउटसाइड द वाटर है, जब हम इसको पानी के अंदर डुबोते हैं, पानी की सरफेस जहाँ तक है, जो ही हम इसको डुबोएंगे तो इसके डुबोने के साथ साथ यहाँ से वाटर क्या करेगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जब पानी के अंदर जाएगा तो जाहिरी बात है कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा, जितना एरिया कवर करेगा उसके इक्वल वॉल्यूम के इक्वल वाटर क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस वाटर का हम वेट मेजर कर लेंगे, जितना वेट आएगा उस वेट के इक्वल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई होगी। तो अगर इसका इस डायग्राम के मुताबिक इसका वाटर का वेट 2 kg है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 2 kg, इस ऑब्जेक्ट का मास 2 kg था, तो इस वाटर का मास भी क्या होगा, 2 kg होगा। इसका हम वेट फाइंड करेंगे, 20 N आ जाएगा, तो इस पे नीचे से ऊपर की तरफ 20 N की फोर्स अप्लाई होगी। शिप्स एंड बोट्स पे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कैसे अप्लाई हो रहा होता है? ships and boats are designed on the same principle of flotation. इतने बड़े बड़े बहरी जहाज ships तैर रही होती हैं पानी की सरफेस पे, वो कैसे तैरते हैं, वहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई हो रहा होता है। they carry passengers and goods over water. वो क्या करते हैं, passengers और सामान water के ऊपर carry करते हैं। it would sink in water if its weight including the weight of its passengers and goods becomes greater than the upthrust of the water. ये क्या करेंगे, डूब जाएंगे पानी में। ये बहरी जहाज उस वक्त पानी में डूबने का खतरा होता है जब इस बहरी जहाज और इसके ऊपर जितना भी सामान मौजूद है वो टोटल वेट मिलाकर इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट अप्लाई हो रही है उससे ग्रेटर हो जाए, तो ये क्या करेगा, ये डूब जाएगा, जैसे कि टाइटैनिक मूवी में डूब गया था। खैर वो उसकी प्रॉपर रीज़न नहीं बताई गई वहाँ पर कि क्यों क्यों डूबा है, लेकिन अगर उसका वेट ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि वो पानी के अंदर डूब जाएगा। अब हम सब मरीन्स को देखते हैं कि सब मरीन्स पानी पे पानी के अंदर कैसे मूव करती हैं या पानी के ऊपर कैसे तैरती हैं। सब मरीन कैन ट्रेवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर, कि जो सब मरीन होती है वो एक तो पानी की सरफेस के ऊपर तैर सकती है और दूसरा पानी के अंदर भी वो मूव कर सकती है। ये एक सब मरीन दिखाई गई है। ये पानी के अंदर छोड़ने से पहले जब इसको प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है तो इस ये सारी सब मैरीन डिज़ाइन होने के बाद दिखाई गई है। इट आल्सो वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये किस पे डिपेंड कर रही होती है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे। इट फ्लोट्स ओवर वाटर व्हेन द वेट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इट्स वेट। ये पानी के ऊपर तैरती है जब इसका वेट इक्वल टू इट्स वॉल्यूम ग्रेटर देन इट्स वेट हो, यानी कि जो अप थ्रस्ट है वो ग्रेटर देन इट्स वेट हो, तो ये क्या करेगी, पानी की सरफेस पे तैरती रहेगी। अंडर दिस कंडीशन इट इज सिमिलर टू ए शिप एंड रिमेन्स पार्शली अबव वाटर लेवल। इस कंडीशन पे ये बिल्कुल एक शिप की तरह मूव कर रही होती है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा अंडर द वाटर होता है और कुछ ज़्यादा कुछ हिस्सा आउटसाइड द वाटर हमें नज़र आ रहा होता है, जैसा कि ये पिक्चर में दिखाई भी गई है कि इसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है और कुछ हिस्सा बाहर नज़र आ रहा है। सबमरीन्स में एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ टैंक्स विच कैन बी फिल्ड विद एंड एम्प्टाइड फ्रॉम सी वाटर। एक सिस्टम ऑफ टैंक्स होता है, ये टैंक का एक सिस्टम दिखाया गया है। ये क्या करता है, इस सिस्टम को, इन टैंक्स को हम समुंदर के पानी से जब चाहें भर सकते हैं और जब चाहें इन टैंक्स में से पानी निकाल सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है, व्हेन दीज टैंक्स आर फिल्ड विद सी वाटर द वेट ऑफ द सबमरीन इंक्रीजेस। जब हम इन टैंक्स को हम क्या करते हैं, भर देते हैं किससे, समुंदर के पानी से, तो इसका वेट क्या कर जाएगा, सबमरीन का इंक्रीज कर जाएगा। जब वेट इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, ये पानी के अंदर चली जाएगी, ऑटोमेटिकली डूब जाएगी। As soon as its weight becomes greater,
देन द अप थ्रस्ट इट डाइव्स इनटू वाटर एंड रिमेन्स अंडर वाटर, तो वो पानी के अंदर चली जाती है और क्या करती है, पानी के अंदर मूव करती रहती है। ये अंडर वाटर सबमरीन दिखाई गई है कि जब हमने क्या किया था, टैंक्स फिल कर दिए वाटर से, तो ये क्या हुआ, इसका वेट इंक्रीज कर गया, तो ये पानी के अंदर डूब जाएगी और पानी के अंदर फिर जिस भी डायरेक्शन में इसको मूव करवाना हो हम करवा सकते हैं। टू कम अप ऑन द सरफेस द टैंक्स आर एम्प्टायर्ड फ्रॉम सी वाटर, और फिर हमने जब इसको इस सबमरीन को ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर लाना हो तो क्या करते हैं, उन टैंक्स को हम खाली कर देते हैं जो पानी से भर दिए थे, तो इसका वेट कम हो जाता है। जब वेट कम होता है तो ऑटोमेटिकली ये क्या आ जाती है, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर आ जाती है अगेन। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस का, कि वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को फॉलो करते हुए कैसे तैरते हैं या कैसे डूब जाते हैं, समंदर के पानी के अंदर कैसे तैरते हैं और पानी के सरफेस पे कैसे तैरते हैं, ये सारा आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट करें। थैंक यू।